हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, बहन, आप सबका स्वागत है। और ये एलके की सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, बीएससी, एमएससी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशली पीजीटी बायोलॉजी और सिविल एग्जामिनेशंस के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम एलके की, और यहाँ से हम शुरू करते हैं। पार्ट वन आपने ऑलरेडी देखा, उसमें इंट्रोडक्शन था, अकरेंस की बात हो रही थी, कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो थैलस है वो किस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है, कितनी वैरायटीज हो सकती हैं। मैंने एक ही बोर्ड पे एक ही साथ टेबल बना के कोशिश किया है कि एक आउटलाइन प्रोवाइड कर दूँ, इसके बाद एक एक को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। तो एल्गी बहुत ज़्यादा वैरायटी का फॉर्म, उसका जो थैलस स्ट्रक्चर है बहुत ही वैरायटी शो करता है, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस वैरायटी शो करता है, और डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में पाया जाता है। उस हिसाब से उसके एडेप्टेशंस होते चले गए भाई। जीवन की उत्पत्ति तो पानी में हुई थी, ठीक है, लेकिन फिर जीवन पानी से लैंड की ओर मूव भी तो कर रहा था, और जैसे जैसे वो कंडीशंस चेंज होती गई, आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर ग्रीन एल्गी, और वो डेवलपमेंट होता चला गया। इसी ड्यूरेशन में सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जो मूवमेंट हो रहा था, जिसको कि हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कह लेते हैं, उसी एवोल्यूशन के ट्रेंड में सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप हुए। फ्रॉम नॉर्मल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिपोर्ट होते हैं, है ना, यहाँ पे हम देखते हैं। इसी तरह से थैलस में भी ऑर्गेनाइजेशंस में थोड़े थोड़े चीजें सर देखते हैं कितने फॉर्म में होते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर। बेसिकली पांच कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टीसेलुलर कैटेगरी में पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर की बात करें, यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो पहला होगा, यूनिसेलुलर फॉर्म्स, ये फर्दर चार सब कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। इस यूनिसेलुलर फॉर्म के फर्दर चार सब कैटेगरीज हो सकते हैं, राइजोकोडियल यूनिसेल्स, फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्स। आपके दिमाग में अगर जो लोग एमएससी बॉटनी के हैं उनको, उन्होंने बीएससी में ये सब पढ़ रखा है, तो उनको रिवाइज हो रहा होगा, और जो पीजीटी के हैं उनको भी अब रिवाइज हो रहा होगा। अच्छा, राइजोकोडियल फ्लैजेलेटेड यूनिसेल, तो आपको स्ट्रक्चर अब दिख रहा होगा। मैं नाम यहाँ नहीं बताऊँगा वरना सस्पेंस खत्म हो जाएगा। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो सस्पेंस को ओपन कर देंगे। फिलहाल आपके दिमाग में इमेजेस आने शुरू हो गए होंगे। स्पाइरल फिलामेंटस स्पाइरल फॉर्म में कौन पाया जाता है? नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। तो ये चार कैटेगरीज हो गई किसकी? यूनिसेलुलर फॉर्म्स की, ठीक है। सेकंड फॉर्म एल्गी कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कॉलोनियल फॉर्म भी फर्दर चार सब कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, उनके पाए जाने और बनावट के हिसाब से, जिसमें से सबसे पहला है सिनोवियल, है ना। अभी हम पढ़ेंगे कि सिनोवियल जो कॉलोनीज होती हैं उनकी स्पेशल क्वालिटी क्या होती है, है ना, एक जैसे रंग रूप। खैर, डिस्कस करेंगे तब, वरना मज़ा ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है पामेलॉइड, तीसरा है डेंड्राइड, और चौथा राइजोकोडियल, ठीक है। ये चार सब कैटेगरीज हो जाएंगी कॉलोनियल फॉर्म्स की। नेक्स्ट इज द फिलामेंटस फॉर्म, और फिलामेंटस फॉर्म फर्दर दो सब कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड वन। अनब्रांच्ड फर्दर डिवाइड इसको हम नहीं करते, अनब्रांच्ड वाले आप नॉर्मली जानते हो, ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म। ब्रांच्ड वाले फर्दर और तीन सब सब कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। फिलामेंटस फॉर्म का जो ब्रांच्ड फॉर्म है ये फर्दर तीन सब कैटेगरीज में, यानी सब सब कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। सिंपल हो सकता है, सिंपल ब्रांचिंग हो सकती है, हेटरोट्राइकस। अब हेटरोट्राइकस टाइप की ब्रांचिंग किस में होती है, वो तो उसकी स्पेशल क्वालिटी है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे, है ना। तो हेटरोट्राइकस हो सकती है, या स्यूडो पैरेन्काइमेटस हो सकती है। Is it clear? इसको आप ड्रॉ कर लेंगे एक पेज में, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, एटलीस्ट दिमाग में एक आउटलाइन तैयार हो जाएगा। देन
साइफनेसिस फॉर्म एंड पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स, इनके कोई सब ब्रांचेस नहीं हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं यूनि सेलुलर वाले से। हम बात करते हैं राइजोकोडियल यूनिसेल्स की, यूनिसेलुलर फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, जिनकी चार सब कैटेगरी सब क्लासेस आपने पहले ही देख लिया कि ये डिवाइड होते हैं चार डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। पहला होता है राइजोपोडियल यूनिसेल्स, दूसरा फ्लैजेलेटेड, तीसरा स्पाइरल और चौथा है नॉन मोटाइल। राइजोपोडियल की बात करें, राइजोपोडियल नाम से आपको कंफर्म हो रहा होगा कि इसमें रिजिड सेल वॉल नहीं होती है। सो दे लैक रिजिड सेल वॉल। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो इनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, ठीक है, वो प्रेशर क्रिएट करता है और इनकी जो एक पर्टिकुलर शेप होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, कुछ अमीबा लाइक स्ट्रक्चर या अमीबॉइड शेप को एज्यूम करते हैं, और इस तरह से जो इनका मूवमेंट होता है वो अमीबॉइड टाइप का हो जाता है। इज इट क्लियर? राइजोक्राइसिस एंड क्रिस अमीबा, ये दो इसके एग्जांपल्स हैं राइजोपोडियल यूनिसेल्स के, और ये क्राइसोफाइसी से बिलोंग करते हैं, फैमिली है इसकी क्राइसोफाइसी। इसके बाद राइजोक्लोरिस आप देख रहे हैं, राइजोक्लोरिस जो है जेंथोफाइसी से बिलोंग करता है। ठीक है, ये नाम आप जरूर याद कर लेंगे और आपको अब कंफर्म हो गया होगा कि जो क्लोरोफाइसी हो गए या क्राइसोफाइसी हो गए, इसके मेंबर्स के अंदर रिजिड सेल वॉल लगभग एब्सेंट होती है। एक दो एक्सेप्शन तो होता ही भाई, बायोलॉजी तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, यहाँ तो पूछो ही मत, है ना। यूनिसेल्स को भी बात कर लेते हैं, राइजोपोडियल की बात। फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्स, एक्चुअली फ्लैजेला वाले यूनिसेल्स तो लगभग हर ग्रुप में पाए जाते हैं, मतलब एल्गी के तो लगभग हर ग्रुप में पाए जाते हैं, बट फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्स हैं इनमें जो क्या होते हैं फ्लैजेला होता है, वो फ्लैजेला के नंबर बहुत वेरी करते हैं, और अगर क्वेश्चन पेपर को टफ बनाना हो तो कई बार एंटीरियर पोस्टीरियर एंड पे फ्लैजेला की प्रेजेंस और नंबर ऑफ फ्लैजेला की प्रेजेंस से इसको टफ बनाया जा सकता है। समझते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहा था मैं, फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्स मे बी पेरिप्लास्टिक विदाउट सेल वॉल। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो इसको आप प्रो कैटेगरी में रखिए, और दे हैव डिस्टिंक्ट सेल वॉल लाइक क्लेमाइडोमोनास। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? क्लेमाइडोमोनास। कैलकेरियस म्यूकस कैप्सूल्स भी पाए जाते हैं, तो इसका एग्जांपल है ये देखिए फैकोटस। फैकोटस में कैलकेरियस कैप्सूल पाए जाते हैं, म्यूकस टाइप का कैलकेरियस कैप्सूल पाए जाते हैं, इसको याद जरूर कर लीजिएगा कैलकेरियस कैप्सूल, थोड़ा सा ये यूनिक है फैकोटस, है ना, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्स। एक्चुअली फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्स तो लगभग एल्गी के हर ग्रुप में पाया जाता है एक्सेप्ट रोडोफाइसी। अगर एक्सेप्शन की बात करें तो इसमें रोडोफाइसी आ गया, है ना, इसके अलावा साइनोफाइसी में भी ये नहीं पाए जाएंगे, साइनोफाइसी, ठीक है, और इसके अलावा फियोफाइसी, इन तीनों में यूनिसेल्स फ्लैजेलेटेड नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, फियोफाइसी। तो ये तीन क्लासेस ऐसे होंगे एल्गी में या ऐसे ग्रुप्स होंगे जहाँ पे फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्स एब्सेंट होंगे। इसके अलावा जितने भी ग्रुप पाए जाते हैं एल्गी में, खासकर उन सब में फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्स पाए जाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि जो फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्स होते हैं वो मोटाइल गैमेट्स की बात करें अगर हम, तो मोटाइल गैमेट्स एंड जू स्पोर्स से मिलते जुलते से होते हैं, है ना, क्योंकि उनमें भी फ्लैजेला है ना। जैसे आपने अब आपके दिमाग में स्ट्रक्चर्स तो रह ही गए होंगे बहुत अच्छे से, तो ये देखा इस तरह से फ्लैजेला बाहर निकल आता है, तो आपने जू स्पोर्ट्स में भी देखा वहाँ भी फ्लैजेला है। नंबर ऑफ फ्लैजेला
वेरी ग्रेटली इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एल्गी। अलग अलग ग्रुप में फ्लैजला के नंबर चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो क्लोरोफाइसी में जो वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, क्लोरोफाइसी में जो वेजिटेटिव सेल है या मोटाइल गैमेट्स की अगर बात करें, तो नॉर्मली इनमें दो फ्लैजला पाया जाता है। दे हैव नॉर्मली टू फ्लैजला। अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम सत्य है भाई, चेंजेस तो हो ही सकते हैं क्योंकि नेचर है ना। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड व्हाट, कि वो जब भी पाए जाएंगे, क्लोरोफाइसी की बात हो रही है, क्लोरोफाइसी में जब भी पाए जाएंगे, टू के मल्टीपल में पाए जाएंगे, या तो मैक्सिमम तो टू ही होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर टू से ज़्यादा हैं तो टू के मल्टीपल में पाए जाएंगे, ये कन्फर्म रहिए। समझ में आ रहा है? तो क्लोरोफाइसी में एक पिकुलियर कैरेक्टर हो गया, ठीक है, फ्लैजलेटेड यूनिसेल्स को लेकर के। अब समझ में आ गया, तो फ्लैजलेटेड यूनिसेल्स की अब तक की स्टोरी में कुछ चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई होंगी। पहली बात कि फ्लैजलेटेड यूनिसेल्स कहाँ नहीं पाई जाती है, वो तीन ग्रुप है ना, वो आपने नाम अभी लिखा। इसके बाद क्लोरोफाइसे में दो या दो के मल्टीपल में फ्लैजला पाए जाते हैं, और मजेदार बात ये होगी कि वो इक्वल होंगे, उनकी साइज की बात करें तो वो इक्वल होंगे, है ना, क्लोरोफाइसे में। ये कन्फर्म हो गया। फैकटस को आपने याद कर लिया, भाई कैलकेरियस कैप्सूल पाया जाता है, ये पिकुलियर कैरेक्टर है। अब फ्लैजलेटेड यूनिसेल्स की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अनइक्वल फ्लैजला भी पाए जा सकते हैं, अनइक्वल फ्लैजला भी हो सकते हैं। डाइनोफाइसी और जेंथोफाइसी में अनइक्वल फ्लैजला पाए जाते हैं। यहाँ तक तो कन्फर्म नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है, तो कुछ चीज़ें आउटकम आपको मिल चुकी हैं, इसको याद कर लीजिएगा। फ्लैजलेटेड यूनिसेल्स से इतना ही, इतनी स्टोरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स की बात कर लेते हैं। इसका कोई डिवीज़न नहीं है फर्दर, तो बहुत ही सिंपल है। स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स में स्पाइरुलिना बेस्ट एग्जाम्पल है, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। स्पाइरल फॉर्म में होगा, स्पाइरल फॉर्म में होगा, और फिलामेंटस होगा, फिलामेंट के फॉर्म में भी होगा, स्पाइरल के साथ साथ फिलामेंट भी होगा। स्पाइरुलिना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, स्पाइरुलिना याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो लास्ट वाला है वो है नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। नॉन मोटाइल यूनिसेल्स मतलब नाम से तो पता चल रहा होगा कि ये चल फिर नहीं सकते, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्रोकोकस, देन क्लोरेला, क्लोरेला ग्रीन एल्गी से आता है। डायटम्स, डायटम्स में क्या होता है कि ये साबुन के बॉक्स की तरह इनकी सेल होती है, कुछ इस तरह से, और ये सी बॉटम पे ज़्यादा पाए जाते हैं ना। साबुन का बॉक्स होता है ना, जैसे ऐसे नीचे से इसका केस होता है और ऊपर से एक केस लगा देते हैं, डायएटमेसियस अर्थ बनाते हैं ये सी बेड के आसपास, तो ये भी नॉन मोटाइल कैटेगरी में आता है। तो डायटम्स हो गए, क्रोकोकस और क्लोरेला इसके बेस्ट एग्जांपल्स में से एक हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिसेलुलर फॉर्म्स। हेड को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को और थोड़ा बूस्ट करते हैं, नॉलेज के लेवल को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट जो होगा वो होगा कॉलोनियल फॉर्म्स। इच कॉमन होगी कि वो लगभग एक जैसे होंगे, देखने में वो जो सेल इकट्ठे होंगे वो लगभग कैसे होंगे, देखने में एक जैसे होंगे। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि देखने में एक जैसे होंगे, तो कॉलोनियल फॉर्म्स को बना सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ ये है कि ये भी चार डिफरेंट फॉर्म्स में है। अगर कॉलोनी बना रहे थे तो ठीक है, चार डिफरेंट फॉर्म्स में है। पहला है सिनोवियल, दूसरा पामेलॉइड, तीसरा डेंड्रॉइड और चौथा राइजोपोडियल। नाम, अगर आपको नाम का मतलब पता होगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सिंपल, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल सिंप्लीफाई कर पाऊँ, ठीक है। सिनोवियल, सिनोवियल वर्ड जो है सिनोबियम से कन्वर्ट होके बनता है। अब सिनोबियम का मतलब क्या होता है, मान लीजिए सिनोबियम, पहले इसको डिस्कस करते हैं। सिनोबियल देखिए, एक जगह है, एक किलोमीटर है, मान लीजिए कोई एक किलोमीटर का दायरा है, वहाँ पे उस एक किलोमीटर में
100 मकान बनाएंगे और सब 2 BHK बनाएंगे, सबका डिज़ाइन एक जैसा है। वहाँ जो सड़क बनी, लंबाई चौड़ाई, यहाँ तक कि सीवेज, वाटर सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग, हर मेजरमेंट में बिल्कुल एक जैसे। अब उस स्टेट या उस क्या होते हैं सिटी के जो रेगुलेशंस हैं वो ये कहते हैं कि 1 किलोमीटर में 100 घर या 1000 घर, ये डेफिनेट नंबर होगा, ये चेंज नहीं हो सकता, और हर 1 किलोमीटर में सिर्फ 100 घर ही बनाए जा सकते हैं, 100 घर बनाए जा सकते हैं। सबके सब एक जैसे फिजिकली दिखने चाहिए, सबके सड़क बिल्कुल एक जैसी दिखनी चाहिए, कहीं भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसी कोई कॉलोनी बनेगी जिसमें डेफिनेट नंबर होगा, डेफिनेट साइज, अरेंजमेंट भी बिल्कुल डेफिनेट होगा, सब कुछ एकदम डेफिनेट होगा, सब कुछ कहीं भी इंडेफिनिटी नहीं रहेगी, ऐसी कॉलोनी को सिनोबियम कहा जाता है। यानी ऐसी कोई भी कॉलोनी बनती है तो उसको हम कहते हैं सिनोबियल कॉलोनीज। ये समझ में आ गया? तो सिनोबियल फॉर्म ऑफ द कॉलोनी of the algae are those forms which have definite shape, size, number and definite type of arrangement in a particular group. That form is known as synovial form. Further, synovial form can be divided into motile as well as non-motile form. Motile as well as नॉन मोटाइल फॉर्म्स, नाम से पता चल रहा होगा मोटाइल है। तो यहाँ जो सिनोबियल कॉलोनी बनेगी, जैसे वॉलवॉक्स की कॉलोनी अगर बना दी, तो यहाँ पे जो सिनोबियल कॉलोनी बनी उसमें फ्लैजेला होंगे, और नॉन मोटाइल में जो कॉलोनी बनेगी, सिनोबियल कॉलोनी बनेगी, फ्लैजेला नहीं होंगे, हाइड्रोडिक्टियन, इस कैटेगरी में हाइड्रोडिक्टियन हम रख सकते हैं। तो इनके जो मोटाइल के बेस्ट एग्जांपल्स हैं उसमें वॉलबॉक्स तो रहेगा ही रहेगा, इसकी तो आप ऑलरेडी कॉलोनीज को आप जानते हैं। देन यूजोरिना एंड पेंजोरिना। नॉन मोटाइल में हाइड्रोडिक्टियन मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो आई थिंक ये क्लियर है। प्लीज़ कॉपी पेन अपने पास रखिए, मुझे वीडियो बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको कॉपी और पेन अपने पास रखना है। आप नोट करते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, कहीं भी कन्फ्यूज़न हो या बोरियत महसूस हो पॉज करिए, फिर थोड़ी देर बाद आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पर मैं तो भाई कंटिन्यूस ही करूँगा। सो अब हम बात करते हैं पामेलॉइड की। पाम यानी हथेली, हथेली यानी उंगली, उंगली यानी कहीं भी कोई भी इक्वलिटी नहीं होगी। जहाँ इक्वल नहीं होगा, जहाँ बराबर नहीं हो सकता, वो जो कॉलोनी बनेगी वो पामेलॉइड कॉलोनी कहलाएगी। तो एल्गी की ऐसी कॉलोनीज जो इरेगुलर शेप, साइज और नंबर के होंगे, फिर से सुनिए, एल्गी की कॉलोनीज जो इरेगुलर शेप, साइज और नंबर के होंगे, वो सब के सब पामेलॉइड कहलाएंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया इससे, है ना? जैसे हथेली की उंगलियां सब अलग अलग होती हैं, ठीक इसी तरह से यहाँ पे कॉलोनी तो बन रही हैं, लेकिन शेप, साइज, अरेंजमेंट, नंबर सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। समझ में आ गया ना? गुड। तो पामेलॉइड जो कंडीशन होती है, ये दो तरह की हो सकती है। फर्दर कभी कभी जो पामेलॉइड कंडीशन होती है वो किसी, जैसे लाइफ साइकिल के किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे थोड़ी देर के लिए होती है, तो टेम्पररी कह सकते हैं। तो ये इफेक्ट क्या हो गया भाई, ये टेम्पररी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो स्टेज हो सकता है भाई, वो परमानेंट हो सकता है। कहीं कहीं पर ये परमानेंट कॉलोनी के फॉर्म में हो सकते हैं। टेम्पररी की बात करें तो टेम्पररी के जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, तो टेम्पररी वाले में क्लेमाइडोमोनास तो ये हो ही गया, परमानेंट वाले में टेट्रास्पोरा और एफेनोथीका एग्जांपल आ सकते हैं इनको, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, सिनोबियल पढ़ लिया, पामेलॉइड पढ़ लिया, डेंड्रॉइड को देखते हैं। डेंड्रॉइड वाले के कैरेक्टर्स यानी इरेगुलर शेप, साइज, नंबर, वो सब के सब पामेलॉइड जैसे हैं, बस स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल अलग होता है। स्ट्रक्चर अब नाम से पता चल रहा होगा, डेंड्रॉइड अभी भी नहीं क्लिक कर रहा है। न्यूरॉन्स देखे आपने, न्यूरॉन में जो ऊपर का जो इसका साइटॉन वाला पार्ट होता है, कुछ इस तरह से होता है ना, इरेगुलर टाइप का ऊपर वाला पार्ट, तो ये ट्री लाइक अपीयरेंस बनाता है, जैसे इसमें लगता है ना कोई पेड़ बना हुआ है ऊपर,
डेंड्रॉन, तो वहाँ से डेंड्रॉइड वर्ड आता है, या सीधे सीधे इसको कहा जाता है कि ट्री लाइक अपीयरेंस बनाता है, पेड़ जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, इसकी लगती बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, ट्री लाइक अपीयरेंस है इसका। तो इसकी इरेगुलर साइज होगी, कोई डेफिनेट शेप साइज नहीं होगा, और ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो है क्राइसोडेंड्रॉन, क्राइसोडेंड्रॉन एल्गी है इसका बेस्ट एग्जांपल। तो राइजोपोडिया, क्योंकि नाम से ही पता है पोडिया मीन्स लेग होता है, है ना, राइजोपोडिया जो है वो एक तरह के फॉल्स, जैसा कि पहले भी हमने राइजोपोडियल को डिस्कस कर लिया है, यानी एक ऐसा अमीबॉइड आउटग्रोथ होगा जो मूवमेंट के लिए यूज़ होगा नॉर्मली। तो इसमें क्रिस डायस्ट्रम बेस्ट एग्जांपल है, स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि आपस में जो आउटग्रोथ है वहाँ से ये कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से राइजोपोडियल स्ट्रक्चर्स हैं। डेंड्रॉइड के स्ट्रक्चर में आपने देखा म्यूसिलेजिनस, उसमें फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे थे। तो ये कुछ छोटे छोटे पिकुलियर थिंग्स हैं जो अलग अलग कॉलोनियल फॉर्म्स में पाए जाते हैं, इसको आराम से लिख लीजिए। फिलामेंटस फॉर्म्स हैं, फिलामेंटस फॉर्म्स आपको पता चल गया, फिलामेंट बनाएंगे। फिलामेंट बनेगा कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये मदर सेल है, मान लीजिए ये मदर सेल है, इसमें डिवीज़न हो कैसा, ट्रांसवर्स डिवीज़न, ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स डिवीज़न हो, सेल नीचे या एक सेल ऊपर है और ये एक दूसरे से फिर भी अटैच रहे, फिर इसमें भी ट्रांसवर्स डिवीज़न हो और ये भी अटैच रहे आपस में। तो इस तरह से जब ट्रांसवर्स डिवीज़न्स होते चले जाते हैं, है ना, ट्रांसवर्स डिवीज़न्स होते चले जाते हैं, तो ट्रांसवर्स डिवीज़न्स की वजह से फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे एल्गी, ऐसा कोई भी एल्गी जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दे आर फिलामेंटस फॉर्म्स। अब ये जो फिलामेंटस फॉर्म्स हैं ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी जिनमें ब्रांचेस नहीं है, जो सिंपल लीनियर फैशन में अरेंज है, ठीक है, या जिनमें ब्रांचेस हैं। अब अगर ये अनब्रांच और ब्रांच कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि ब्रांच वाले में, ये ऑलरेडी हम सबसे पहले ही देख चुके हैं, ये तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं ब्रांच वाले, सिंपल हेटरोट्राइकस एंड सूडोपैरेन्काइमेटस, बनावट के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से। सबसे पहले हम अनब्रांच्ड को डिस्कस कर लेते हैं। अनब्रांच्ड नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये अनब्रांच्ड है, यानी इनमें किसी तरह की ब्रांचिंग, चाहे वो फॉल्स ब्रांचिंग ही क्यों ना हो, किसी भी तरह की ब्रांचिंग 100% एब्सेंट होगी, बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। इज इट क्लियर? तो अनब्रांच वाले कई फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, वो फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो सकते हैं, होल्ड फास्ट पे अटैच हो सकते हैं, या कॉलोनी भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर वो फ्री फ्लोटिंग है तो जैसी बात है कि आप एग्जांपल पूछेंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल स्पायरो है। सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए, अगर अटैच टू द सबस्ट्रेटम की बात करें तो सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए यानी होल्ड फास्ट के थ्रू जो जुड़ते हैं, जिग्निमम, यूलोथ्रिक्स और ईडोगोनियम। ईडोगोनियम से भाई पीएससी में और एमएससी में जी भर के एकदम, मतलब झोला भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईडोगोनियम को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अभी हम पढ़ेंगे भी ईडोगोनियम स्पेशल है, इसमें कैप्सूल वगैरह बनते हैं, है ना, डॉर्फ मेल वाले कैरेक्टर्स आते हैं। अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, डीप तो आगे बढ़ा ही जाएगा, ठीक है। कॉलोनी की बात करें तो नॉस्टॉक हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया, ये क्या है, कॉलोनीज बनाते हैं। इज इट क्लियर? तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रांच्ड वाले की बात करते हैं। ब्रांच्ड वाले में नाम देख रहे हैं तीन अलग अलग हैं, सिंपल, हेटरोट्राइकस एंड सूडोपैरेन्काइमेटस। तो हम शुरुआत, मान लीजिए कि ये सेल है और इसमें फिर डिवीज़न शुरू होता है। अब इसके ऊपर की जो सेल्स होती हैं यहाँ पे ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी अगर ये जो सबसे नीचे का सेल है इसको बेसल सेल कह दिया जाए,
जो कि कहीं जुड़ा हुआ है बेसल सेल। बेसल सेल को छोड़कर बाकी ऊपर के जितने भी सेल हैं वो सिंपल ब्रांच बना सकते हैं। तो क्लेडोफोरा की कंडीशन कुछ ऐसी है, सिंपल ब्रांचिंग करता है, ठीक है। ब्रांचिंग ट्रू टाइप के भी हो सकती है, फॉल्स भी होती है, अलग अलग स्पीसीज में पाए जाते हैं, बट सिंपल की बात कर रहे हैं तो क्लेडोफोरा की बेस्ट एग्जांपल है। इसमें बस एक ही चीज़ याद रखेंगे, ये जो बेसल सेल है, बेसल सेल को छोड़कर बाकी ऊपर की जितनी भी सेल होंगी वो आराम से ब्रांचेस में कन्वर्ट हो सकती हैं, एंड दिस इज व्हाट सिंपल टाइप ऑफ ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गीज। अब हम हेटरोट्राइकस की बात करते हैं। हेटरो का मतलब ये होता है डिफरेंट, यानी अलग अलग। ट्राइकस, ठीक है, डिफरेंट ट्राइकस होंगे, अलग अलग टाइप की ब्रांचिंग सिस्टम होगी यहाँ पे। तो नेम भी सजेस्ट कर देता है कि उसका कैरेक्टर कैसा होने वाला है। ट्राइकस का मतलब है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचिंग सिस्टम, यानी वो वेल डेवलप हो सकते, इरेक्ट हो सकते, प्रोस्टेट भी हो सकते, इरेक्ट भी हो सकते हैं और प्रोस्टेट भी हो सकते हैं। इस कैटेगरी में जो एग्जांपल्स हैं वो हैं फ्रेशिएला, एक्टोकार्पस, फिलियोकिच, स्टीगियोक्लोनियम एंड ड्रेपेनर एल्डियोप्सिस, ठीक है। अब इसमें क्या है, फ्रेशिएला और एक्टोकार्पस की बात करें तो फ्रेशिएला और एक्टोकार्पस में दोनों सिस्टम पाए जाते हैं, मतलब प्रोस्टेट भी वेल डेवलप होता है और वेल डिफ्रेंशिएटेड इरेक्ट सिस्टम भी बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट होता है और आसानी से देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट स्ट्रक्चर है उसका, जो प्रोस्टेट वाली स्ट्रक्चर होती है ना जिसमें कि वो सिमिलर फॉर्म, सिंपल फॉर्म में रहते हैं, उसका एलिमिनेशन हो सकता है। किस में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप नाम याद कर सकते हैं, ड्रेपेरन एल्डियोप्सिस। प्रोनाउंशिएट करने में थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप करने लगेंगे तो ईजी हो जाएगा, ड्रेपेरन एल्डियोप्सिस। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन दिखता है, प्रोस्टेट वाले को एलिमिनेट करता है और इरेक्ट सिस्टम को वेल डेवलप फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेता है। इस वाले को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत ही डिफरेंट है। स्यूडो पैरेन्काइमेटस, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ये तो आपको पता ही है, ऑलरेडी आप सब लोगों को मालूम है। पैरेन्काइमेटस यानी ऐसी ब्रांचिंग होगी जो दिखेगी पैरेन्काइमेटस पर होगी पैरेन्काइमेटस बिल्कुल भी नहीं। तो होगी क्या, तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं, देर आर सम एल्गी वेयर एक्चुअली पैरेन्काइमेटस टाइप ऑफ ब्रांचेस दे मे बी पैरेन्काइमेटस टाइप एग्जैक्टली नॉट पैरेन्काइमेटस उसके जैसे कुछ ब्रांचेस बनाते हैं एंड दे मे फॉर्म द ब्रांचेस थ्रू द सेंट्रल सेल और द एक्सियल सेल। ब्रांचिंग टेक्स प्लेस थ्रू द सेंट्रल सेल या एक्सियल सेल में से कोई भी एक ब्रांचिंग बनाना शुरू कर देती है। तो सूडो पैरेन्काइमेटस ब्रांचेस वहाँ से डेवलप होते हैं, ठीक है। अगर एक ही ब्रांच, मतलब एक ही सेंट्रल सेल एक्सेस हो और उससे ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं तो इसको हम कहते हैं यूनी एक्सियल। दिस इज व्हाट, यूनी एक्सियल। और जब एक से ज़्यादा ब्रांचेस निकल उसमें कहते हैं जो एक्सेस, जो एक्सियल सेल या जो भी हम सेंट्रल सेल की बात कर रहे हैं वो अगर एक से ज़्यादा है नंबर में और अलग अलग ब्रांचेस बना रही हैं तो ये हो जाते हैं देन मल्टी एक्सियल, मल्टी एक्सियल सूडो पैरेन्काइमेटस ब्रांच एंड यूनी एक्सियल सूडो पैरेन्काइमेटस ब्रांच। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं भाई, बिना एग्जाम्पल के तो ये सब बेकार है, कितनी भी कहानी पढ़ लो। यहाँ पे है बैट्रेकोस्पर्मम, ठीक है, और मल्टी एक्सियल का जो एग्जाम्पल होगा वो पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हो, स्ट्रक्चर में साफ साफ दिख रहा है कि बैट्रेकोस्पर्मम की ब्रांचिंग यूनी एक्सियल है, एक ही बीच में सेल है उसी से ब्रांचेस डेवलप हो रही है, जबकि पॉलीसाइफोनिया में आपको साफ साफ दो सेल दिख रहे हैं और वहाँ से इसकी ब्रांचिंग शुरू हो रही है। तो यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल होता है फिलामेंटस फॉर्म्स में, बस इतना ही। आगे हम पैरेन्काइमेटस
साइफेनेसिस फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं और ये वीडियो सेगमेंट फिनिश करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं साइफेनेसिस फॉर्म्स की, यानी साइफोन टाइप के जो होंगे, साइफोन यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बनाएंगे साइफोनेसियस फॉर्म कहलाएंगे, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर सिंपली कह लीजिए, ट्यूबुलर टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे। तो साइफोनेसियस फॉर्म्स में एग्जांपल है वाउकेरिया एंड बोट्रिडियम। अब इसमें खास क्या है, क्यों अलग हो गया बाकी सबसे? तो अलग इसलिए हुआ कि इसमें जो थैलस स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, ब्रांच्ड तो होगा लेकिन एसेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होगा लेकिन एसेप्टेट होगा, यानी वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी उनके बीच में। कोइनोसाइटिक होगा, कोइनोसाइटिक मतलब कि जब वॉल बना ही नहीं, न्यूक्लियस के डिवीजन तो हुए लेकिन उनके बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो एक ही जगह पे खूब ढेर सारे न्यूक्लियाई या उस स्ट्रक्चर में बहुत सारे न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में इजिली पड़े हुए, उनके बीच में कोई वॉल का फॉर्मेशन नहीं। ऐसी कंडीशंस में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कोइनोसाइटिक स्ट्रक्चर कहते हैं, कुछ लोग इसे सीनोसाइटिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे याद रह पाए। तो साइफोनेसियस वाला आपको समझ में आ गया, वाउकेरिया एंड बोट्रिडियम, ठीक है। लास्ट वाला पैरेन्काइमेटस फॉर्म, ये बहुत ही सिंपल है, अब तक इतना डिस्कशन हो चुका है कि आपको सब समझ में आने लगा होगा, ठीक है। पैरेन्काइमेटस यानी जिनमें पैरेन्काइमा ट्रूली प्रेजेंट है, ठीक है। तो पैरेन्काइमेटस वो फॉर्म होते हैं जहाँ पैरेन्काइमा के डिवीजन की वजह से बनने वाले जो सिस्टम होंगे वो चाहे ब्रांच वो भी कन्वर्ट हो जाए, चाहे सिंपल रहे, चाहे इरेक्ट पोस्ट्रेट, चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो ट्रूली पैरेन्काइमेटस होंगे। अपनी बनावट के हिसाब से ये थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, जैसे वल्वा जो होगा वो फ्लैट डिज़ाइन का होता है, वो फ्लैट होता है वल्वा, ठीक है। जबकि साइटोसिफोन की बात करें ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। जबकि सार्गासम की बात कर लीजिए, यहाँ पे आप सार्गासम देख रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर्स की जो स्पेशल चीज़ें हैं, कौन कैसा डिज़ाइन बनाता है, यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट वन वर्ड के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बना लिए जाते हैं, ठीक है। अब इस तरह की जो बात होती है, तो कई बार जो इनके ग्रोथ के पैटर्न की बात करें, तो कई बार एपिकल सेल की ग्रोथ होती है पैरेन्काइमेटस फॉर्म से, इनमें अलग अलग सेल के डिवीज़न से अलग अलग फॉर्म्स डेवलप हो सकते हैं। जैसे एपिकल डिवीज़न नॉर्मली होता है, उसमें फ्यूकस और डिक्टियोटा बेस्ट एग्जांपल है। अगर इंटरकैलरी पोजीशन पे डिवीज़न होता है और वहाँ से इस फॉर्म का डेवलपमेंट होता है, तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है लैमिनेरिया है। ट्राइकोथैलिक टाइप का होगा, पोरफाइरस का बेस्ट एग्जाम्पल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेंज ऑफ द थैलस ऑफ एल्गी। अच्छे से रिवाइज करें, कहीं भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, मैं रेडी हूँ, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनके सेल और इनकी बनावट की। थैंक यू वेरी मच।